हम वहाँ से चले थे और यहाँ पहुँचे हैं और मेरी बस हो गई है। ये उन दोनों के व्लॉग है जब ये लॉकडाउन वगैरह नहीं होते थे, तब दोस्तों के साथ स्विट्जरलैंड में हाइकिंग का प्लान बनाया, वो भी स्विस की एक खूबसूरत वादी केनेस्टैक में, जहाँ हमारा पहला स्टॉप था ब्लाउस है, उर्दू में कहूँ तो नीली झील। दिस इज द प्लेस दैट वी आर प्लानिंग टू कम हियर फॉर लास्ट वन ईयर। एक प्लान्ड इट, हेलो, एंड टुडे रेबेका इज आल्सो विद अस एंड वी आर बिजी। टिकट के बारे में बता दूं कि प्राइसेस वेरी करती हैं, तो ब्लाउस की वेबसाइट देख लेना जाने से पहले। खैर, प्राइस के अंदर बोट राइड भी इंक्लूडेड है, तो टोटली वर्थ इट। हमने नहीं ली थी क्योंकि रश बहुत था। यहाँ पे ये बताया है कि एक लड़की यहाँ पे रोज़ आती थी अपने प्यार की खातिर अफसोस करने, और यहीं पे वो मर गई। और ये जो पीछे है ना, ये उसकी तरह से उसकी याद में मूर्ति उन्होंने बना दी है। देखें प्यार क्या क्या करवाता है, इसकी प्यार नहीं करना चाहिए, बुरी चीज़ है। चलिए अब हम चलते हैं आगे क्योंकि मेरे साथ में वेट कर रहे हैं। Do you want to say anything? Hello. Hello. You know Ek from the Prague vlog. And this Ek, is Rebecca. Ek from the Prague vlog. Rebecca is a little bit camera shy. A little bit. That's why we planned. Rebecca, today we will overcome your camera fear. Okay. लेकिन ये वो जगह नहीं थी जहाँ हम हाइक करने आए थे। ये तो बस उस जगह के करीब थी और एक का प्लान था तो आ गए, लेकिन जगह खूबसूरत वाकई थी। अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह पे, दूसरी जगह पार्क करने हैं, उसके बाद 4 घंटे की हाइकिंग। और हम पहुंच गए अपने पार्क का। दस मिनट के बाद पहुंचे हम अपने उस पॉइंट पे जहां से हमने अपनी हाइकिंग स्टार्ट करनी थी। पहुंचते ही हाइकिंग शूज पहने, गाड़ी लॉक की और शुरू कर दी अपनी हाइक। लेट्स गो। सो इन जर्मन, इन स्विस जर्मन यू से हाउ से ग्रुत्सी, 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 ग्रुत्सी में दलन, व्हिच आई थिंक इट मींस लाइक ग्रुस्कॉट, ग्रुस्कॉट। सो व्हाट इज ग्रुस्कॉट ऑफ इंग्लिश? It's like hello, hello God, yeah, or yeah, something like that. So we started our 3 hours hike, and Rebecca is motivated. I am not. What? No, I'm also. शुरू में लगा ये तो बहुत आसान चढ़ाई है, आराम से हो जाएगी आज की हाइक। तो जब तक मैं ऊपर पहुंचता हूँ आप व्यू एंजॉय करें। हम वहाँ से चले थे और यहाँ पहुँचे हैं और मेरी बस हो गई है। लेकिन आपका भाई तो वॉरियर है और वॉरियर हार नहीं मानता, तो हमने हाइक नहीं छोड़ी और आगे चले। सीन चेक करें पीछे के सीन, आप चार बह रही हो ऊपर से लास्ट। अबरार भाई कैसे करते हैं इतनी हाइकिंग? मैं थोड़ी सी हाइकिंग की है, बच गई है। खैर, अगर आप लोगों को हाइकिंग
के वीलॉग देखने का शौक है, तो वाइल्ड लाइफ का अबरार और ये जो है ना इनकी हाइकिंग और इनके कैमरा ग्राफिक्स इनके वीलॉग क्लास। फिर आखिरकार हम पहुंचे स्विट्ज़रलैंड की सैफल मलूक पे और ये व्यू देख के यकीन माने कि मैं अपनी सारी थकन भूल गया। तेरह मिनट हाइक करने के बाद हम पहुंचे सारे टूरिस्ट से दूर इस पॉइंट पर और यहाँ की खूबसूरती और फिजा में जो सुकून था उनको कम से कम मैं तो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। इस जगह पे आपके पास ड्रोन होता है बट थैंक्स टू सम यूट्यूबर्स हु गेव मी परमिशन टू यूज देयर ड्रोन शॉट्स। तो ऐसे बेहतरीन शॉट आते हैं लेकिन खैर जो है उसे काम चलाएंगे। एक कैमरा मेरे पास, फोन है, साथ में गिम्बल है, तो इसी से ही जो है जितना हो सके उतना करेंगे। लेकिन ये जगह जो है ना, यहाँ आओ और आके सो जाओ। थोड़ी देर यहाँ आराम किया और फिर लंच किया और फिर पोज बनवा बनवा के तस्वीरें ली और फिर नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर पार्किंग स्पॉट एंड वी आर रेडी। या आई एम रेडी बिकॉज दिस टाइम वी आर गोइंग डाउन। एक दफा फिर नज़ारे कराते हैं आपको। जगह इतनी खूबसूरत थी, जाने का उस दिन ज़रा दिल नहीं था, मगर शाम हो रही थी और अपने घर वापस भी लौटना था। जाने से पहले एक टिप उन लोगों के नाम जिनको हाइकिंग का शौक़ है पर कभी की नहीं है उन्होंने। एक टिप दे दूं कि जब आना है ना यहाँ पे कभी या कभी भी हाइकिंग पे, ठीक है, तो अपने पाँव के नाखून काटना, क्योंकि जब आप नीचे आते हो ना तो आपके वो नाखून जूतों को जगह बनाने की कोशिश करते हैं और बड़ी दर्द होती है। गाड़ी पहुंचते ही सबसे पहला काम मैंने अपने शूज़ चेंज किए हैं, उसके बाद जो सुकून मिला सोच है। खैर मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।